सो इफ यू लव टू प्ले सर्वाइवल गेम जिसमें आपको सर्वाइव करना गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा पसंद है, जंगल में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा पसंद है, ज़ॉम्बीज से बचना बहुत ज्यादा पसंद है, मॉन्स्टर से बचना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, टॉप 10 बेस्ट सर्वाइवल गेम्स फॉर एंड्रॉइड जिसको आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में इजिली चला सकते हो। और इन सभी गेम्स को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, चाहे तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो के सबसे बेस्ट गेम चाहिए हो तो वीडियो के साथ चिपके रहना, फिर डीटेल को शुरू करते हैं। नंबर 1 एक्स सर्वाइवल, एक सैंडबॉक्स ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है जिसके अंदर आपको एक वर्ल्ड दिया जाएगा, उस वर्ल्ड के अंदर आपको अकेला उतारा जाएगा, उस वर्ल्ड के अंदर कोई ज़ॉम्बीज नहीं होने वाले, कोई मॉन्स्टर नहीं होने वाले, लेकिन एक चीज होने वाली है, एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट होने वाले जो कि आपको किल करने के लिए ट्राई करेंगे, तो आपको उनसे बचना होगा। उस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी क्राफ्टिंग करनी होगी, बहुत सारी बिल्डिंग करनी होगी, शेल्टर्स बनाने होंगे, हाउसेस बनाने होंगे ताकि उन फ्यूचरिस्टिक रोबोट से या अदर चीजों से आप बच सको। और आपको बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी दी जाएंगी जिनका आप यूज कर सकते हो उनको किल करने के लिए। गेम के अंदर जो एनवायरमेंट दिखाया गया बहुत सा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, जो एलिमेंट्स हैं, जो वीपन्स हैं या बहुत सारी अदर चीजें हैं बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। आपको जो वर्ल्ड दिया गया बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, उस बड़े से वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। गेम के बारे में तो गेम का साइज 161 MB होने वाला है, गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है और गेम की ग्राफिक्स एकदम हाई होने वाली है। नंबर 2 द वॉकिंग ज़ॉम्बी 2, द वॉकिंग ज़ॉम्बी 2 एक ज़ॉम्बी शूटर गेम होने वाले जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आपके वर्ल्ड में आ चुके हैं और आपने जन्म लिया उन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में, आप इंसान हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपना वीपन उठाना है और निकल जाना है शहर पे। ज़ॉम्बीज आने वाले बहुत सारे कम डेंजरस होंगे, बहुत सारे ज्यादा डेंजरस होंगे और कुछ होने वाले बॉस टाइप के, उन सबको किल करना है और आपके अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा क्योंकि सामने कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज आएंगे जिनको किल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको अपने वीपन्स को अपग्रेड करना है, अपने आप को लेवल अप करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने होंगे और इसी तरीके से आपको सर्वाइव करते हुए एंड तक पहुंचना है। और गेम के अंदर जो वर्ल्ड दिखाया गया पूरा पॉलीगॉन टाइप का होने वाला है, गेम का वर्ल्ड होगा, गेम का एनवायरनमेंट, गेम के कैरेक्टर्स, गेम के वेपन्स, गेम के ज़ॉम्बी सब कुछ आपका पॉलीगॉन टाइप का होने वाला है, एलिमेंट्स तक पॉलीगॉन टाइप के होंगे। भाई गेम के अंदर बताऊं तो गेम का साइज 58 MB है, गेम की ग्राफिक्स पॉलीगॉन टाइप की, मैंने सब कुछ बताया गया और गेम जो है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के बिना आप प्ले कर सकते हो। नंबर 3 ग्लोरी एग्स, ग्लोरी एग्स बैटल सर्वाइवल गेम होने वाली है जिसमें आपको समुराई को कंट्रोल करना होगा, आप समुराई होगे, सामने आपके अम्पोनेंट्स होंगे वो भी समुराई होंगे और आपको उनको किल करना होगा बैटल के थ्रू। और बैटल कुछ ऐसे होने वाले कि आप कभी कभी अकेले भी हो सकते हो, आपके साथ कभी टीम भी हो सकती है और कभी कभी सामने आप अकेले हो और सामने बहुत ज्यादा टीम है, तो इस तरीके से आपको सर्वाइव करने वाला है। और इस गेम को मैं मस्ट रेकमेंड कहूंगा क्योंकि इस गेम का जो वर्ल्ड है, जो एनवायरमेंट है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा टैक्टिकल होने वाला है और जो पूरा वर्ल्ड होगा बहुत ज्यादा कलरफुल होगा, पूरा न्योन लाइट से भरा होगा और उसके बीच में ऐसे कलरफुल वर्ल्ड में सर्वाइव करने का मजा ही अलग होता है। गेम के अंदर जो वर्ल्ड है या कह सकते हो जो लोकेशन है वो बार बार चेंज होती रहेगी, गेम के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स मिलेंगे, आप कोई भी करेक्टर चूज कर सकते हो। और गेम के बारे में तो गेम का साइज 133 MB होने वाला है, गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन और गेम की ग्राफिक्स एकदम हाई होने वाली है। नंबर 4 अर्न टू डाइन 2 एक एडवेंचरस ज़ॉम्बी गेम होने वाले है। इस गेम के बारे में बताऊं तो गेम में होने ये वाला है कि आप एक प्लेस पे हो जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और पूरी सिटी पूरे अर्थ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और आप जिस लोकेशन पे हो उससे बहुत दूर दूसरी लोकेशन में बहुत सारे जिंदा लोग हैं जो कि स्पेसशिप के थ्रू किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं। अब आप अकेले फंस चुके हो दूसरी लोकेशन पे, तो आपको उस लोकेशन से उस स्पेसशिप वाले लोकेशन पे जाना होगा, लेकिन वो इतना ईजी नहीं होगा बिकॉज बहुत सारे बीच में ज़ॉम्बीज हैं, तो आपको व्हीकल्स दिए जाएंगे, आपको व्हीकल्स के थ्रू उनके पास जाना होगा, लेकिन तब भी इतना इजी नहीं होगा बिकॉज कभी कभी व्हीकल्स बीच में बंद हो जाएंगे, कभी उनका इंजन टूट जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, तो वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा, अपने व्हीकल्स को अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा, जो सामने हर्डल्स आएंगे उससे बचना होगा, सामने जो ज़ॉम्बीज आ रहे हैं उनको किल करते हुए उड़ाते हुए जाना होगा, तो ऐसा कुछ एडवेंचर चलने वाला है। इस गेम को मैं पिछले 3 महीने से खेल रहा हूं और अब जाके इसका एंड हुआ है और एंड का गेम प्ले आप देख रहे हो। बताओ भाई 3 महीने लग गए 2D गेम को कंप्लीट करने में, तो देख सकते हो गेम कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है। गेम बहुत बड़ी है और गेम बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, आप बोर नहीं होगे इतना तो मैं कह सकता हूं। भाई गेम के बारे में तो गेम का जो साइज है वो 80 MB है, गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है और गेम की ग्राफिक्स 2D ग्राफिक्स है। नंबर 5 जीरो सिटी, जीरो सिटी एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम होने वाली है। गेम के अंदर आप और आपके बहुत सारे जो पीपल हैं वो बच चुके हैं और आपको शेल्टर बनाना या कह सकते हो बंकर बनाना जिसके थ्रू आप एक अलग से एरिया में बचने के लिए जगह बना दोगे और आउटसाइड उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे और इनसाइड आप होगे और आपको उसी बंकर के अंदर अपने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीजों को क्राफ्ट करना होगा, बहुत सारी बिल्डिंग करनी होगी, अदर एलिमेंट्स को बनाना होगा, वेपन्स क्राफ्ट करने होंगे और भी बहुत सारी हीलिंग को बनाना होगा, ये सब कुछ चलने वाला है और आप नहीं अकेले होगे बल्कि बहुत सारे लोग होने वाले हैं, तो उन
मुझको सर्वाइव भी करवाना है, खुद भी सर्वाइव करना है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। आपको अपने बंकर को अपडेट भी करते रहना है, जिससे कि जो ज़ॉम्बीज आ रहे हैं वो थोड़े से तगड़े तगड़े होते रहेंगे, जिससे कि आपका बंकर ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। तो उससे बचने के लिए आपको बंकर को अपडेट भी करते रहना है। तो ये सारा सर्वाइवल वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला है। गेम का मैं कहूं तो गेम का साइज 109 MB होने वाला है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, और गेम की जो ग्राफिक्स है वो 2D ग्राफिक्स होने वाली है। नंबर 6, लास्ट फोर्ट्रेस। लास्ट फोर्ट्रेस भी पिछली गेम की तरह सेम कॉन्सेप्ट वाली गेम होने वाली है, जिसके अंदर आपको बंकर बनाना होगा और आउटसाइड बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे और इनसाइड आप होगे और आप एक कमांडर हो, जिसके थ्रू आपको सारी मैनेज करना होगा, सारे लोगों को मैनेज करना होगा, ताकि कोई बाहर ना चला जाए, कोई किल ना हो जाए, कोई मर ना जाए, और उनको भी सर्वाइव करते हुए जाना है और खुद को भी सर्वाइव करना है। तो बंकर है तो बहुत सारी चीज़ों को क्राफ्ट करना है, पहले की तरह बहुत सारी बिल्डिंग करनी होगी। ये जो गेम है पहले वाले से ज़्यादा बेटर होने वाली है, बिकॉज इसमें थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, थोड़े से सर्वाइवल को कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ के डाला गया, थोड़ी सी गेम और ज्यादा बड़ी कर दी गई है, इसलिए थोड़ी सी अच्छी गेम होने वाली है पिछले वाले से। लेकिन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों को ट्राई करना हो तो दोनों ट्राई कर लेना, कोई एक ट्राई करनी हो तो एक ट्राई कर लेना। गेम का साइज है वो 884 MB है, और गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, वो पहले वाली ऑनलाइन थी, ये ऑफलाइन है। तो अगर आपको ऑफलाइन पसंद हो तो ये ट्राई कर सकते हो, गेम की ग्राफिक्स एकदम हाई होने वाली है। नंबर 7, स्पेस मार्शल। स्पेस मार्शल के 3 पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है पेड है, पार्ट 2 और पार्ट 3 फ्री है। तो अगर आपको फ्री ट्राई करना हो तो 2 और 3 ट्राई कर लेना है, लेकिन अगर आपको तीनों ट्राई करने हो तो तीनों ट्राई कर सकते हो। बाकी इस गेम के अंदर आपको स्पेस का पूरा एडवेंचर मिलने वाला है, स्पेस का पूरा सर्वाइवल वाला कॉन्सेप्ट डाला गया है। इस गेम के अंदर होने ही वाला है कि आपको गैलेक्सी के एक कह सकते हो गैलेक्सी का कॉप्स हो, जहां पर आपको देखने की कौन कौन क्राइम कर रहा है, कौन कौन क्रिमिनल है, और उसको पकड़ने के लिए जाना है। कभी कभी आप उस वर्ल्ड में या कह सकते हो उस प्लैनेट में फंस जाओगे, वहां से सर्वाइव करते हो होगा, कुछ एलियंस आपको पकड़ लेंगे या कुछ क्रिमिनल ज्यादा हो जाएंगे तो वो आपको पकड़ लेंगे। कभी कभी आपको प्लेनेट पे अकेला भेजा जाएगा, कभी कभी टीम के साथ भेजा जाएगा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे मिशंस मिलेंगे, बहुत सारे मिशंस को आपको कंप्लीट करना होगा। ये गेम बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। गेम को गेम का साइज 700 MB से थोड़ा सा नीचे होने वाला है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, बताओ ऑफलाइन गेम भी है, कितनी अच्छी गेम भी है, और गेम की ग्राफिक्स एकदम हाई होने वाली है। तो अगर आपको तीनों पार्ट्स में से कोई भी ट्राई करना हो तो तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। पार्ट 1 पेड है, पार्ट 2 पार्ट 3 फ्री है। नंबर 8, ग्रिमसोल। ग्रिमसोल जी एक सर्वाइवल गेम है, ये बहुत ज्यादा हार्ड कोर गेम होने वाली है, यानी कि डिफिकल्टी इसमें बहुत ज्यादा मिलने वाली है। मैं खुद गेम को 1 घंटे से खेल रहा था और मैं गेम में एक ही जगह फंसा रहा, मैं आगे नहीं जा पा रहा था, ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट गेम होने वाली है। इस गेम के अंदर कोई ज़ॉम्बीज नहीं होने वाले, बल्कि बहुत सारे एनिमीज आने वाले, बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं, थोड़े से अलग टाइप के, थोड़े से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आने वाले, जिनको आपको बचना होगा, जिनको किल करना होगा, और अपनी क्राफ्टिंग करनी होगी, अपने हाउसेस बनाने होंगे, शेल्टर बनाने होंगे, उनसे बचना होगा। और सबसे खास बात होने वाली, सामने एनिमीज आने वाले हैं, उनकी एबिलिटीज अपने कैरेक्टर की एबिलिटीज से 3-4 गुना ज्यादा है। तो इसलिए मैंने बोला गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। इसके लिए आपको अपने आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होगा, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं आपके शेल्टर के ऊपर, आपके हाउस के ऊपर, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा। भाई गेम के अंदर तो गेम का साइज 127 MB है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन और गेम की ग्राफिक्स एकदम हाई होने वाली है। वर्ल्ड वॉर पॉलीगन। वर्ल्ड वॉर पॉलीगन एक शूटिंग गेम होने वाली है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन शूटर मिलने वाला है, फर्स्ट पर्सन की शूटिंग गेम मिलने वाली है, और गेम वेपन जो होने वाले हैं, वो कैरेक्टर जो होने वाले, सब कुछ पॉलीगन टाइप का होगा, जिसमें पहले बताया था पॉलीगन टाइप का पूरा वर्ल्ड मिलने वाला है। और आप इस गेम में एक आर्मी मैन होने वाले हो, और आपको अपनी आर्मी टीम को कंट्रोल करना है, और सामने भी एक आर्मी टीम आएगी, तो दोनों में वार होने वाली है, जैसे कि नाम में दिखाया गया वर्ल्ड वॉर, वो दोनों में वार होगी। आपको बहुत सारे अपोनेंट्स को किल करना होगा, कितने किल्स करोगे, कितने नहीं करोगे, ऊपर सब शो होने वाला है, जैसे कि बैटल गेम में होता है। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। गेम के अंदर बहुत सारे अदर मोड्स भी हैं, जैसे कि टीम डेथ मैच, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, और एक मल्टीप्लेयर मोड भी होने वाला है, तो आप मल्टीप्लेयर भी प्ले कर सकते हो, यानी कि गेम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। गेम के बारे में बताऊं तो गेम के साइज 56 MB होने वाले, इतनी कम एमबी में बताओ इतनी अच्छी गेम मिल रही है, तो जरूर ट्राई करना। और गेम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और गेम की ग्राफिक्स पॉलीगन टाइप की ग्राफिक्स होने वाली है। नंबर 10, इम्पोर्टल सोल। इम्पोर्टल सोल को कह सकता हूँ मैं मस्ट रिकमेंड, अगर आपको हॉरर गेम पसंद है। हॉरर गेम होने वाली है मल्टीप्लेयर के साथ, यानी कि रियल पर्सन को उतारा जाएगा गेम के अंदर, और आप 10 बंदे होंगे, आपको एंड तक सर्वाइव करते हुए जाना है, और इस गेम में 10 बंदों को उतारा जाएगा और एंड तक आपको जाना है, और जो लास्ट में बचेगा वो बन जाएगा उस गेम का विनर, यानी कि लास्ट मैन स्टैंडिंग टाइप का कह सकते हो। बाकी गेम के अंदर पूरा सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लोरेशन के थ्रू चलने वाले की आप 10 बंदों को एक्सप्लोर करने होंगे यहाँ वहाँ। आप चाहे तो एक दूसरे को किल भी कर सकते हो, यानी कि जो सामने मॉन्स्टर आ रहे हैं, जो सामने गोश्त आ रहे हैं, उनसे तो बचना होगा, लेकिन अपने पार्टनर से या अपने टीममेट से भी बचना होगा, क्योंकि मैंने बोला भाई लास्ट मैन स्टैंड, जो एंड में बचेगा वही बचेगा और वही जीतेगा, यानी कि सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है, यानी कि आपको अदर बंदों से भी बचना है कि आपको वो भी ना किल कर दें, या आप किसी को किल भी कर सकते हो। तो गेम के अंदर आपको बहुत सारी रिसर्चिंग करनी पड़ सकती है, भागना पड़ सकता है, क्राफ्टिंग करना पड़ सकता है, फाइटिंग करनी पड़ेगी, ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए मैंने बोला मस्ट रिकमेंड, गेम को खेलते वक्त मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। बाकी गेम के अंदर एक करेक्टर नहीं होगा, बहुत सारे करेक्टर हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। स्टार्टिंग
में तो आपको टीम के साथ सर्वाइव करना होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको टीम को भी खत्म करना होगा, या कह सकते हो टीम को भी मारना पड़ेगा, और एंड में आपको अकेला सर्वाइव करना होगा। तो अगर आपको सर्वाइवल गेम कुछ ज्यादा पसंद है तो ट्राई कर लेना। वैसे अगर आपको इसी टाइप की कुछ सर्वाइवल गेम और भी चाहिए हो तो ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, उसमें मैंने 10 सबसे बेस्ट सर्वाइवल गेम के बारे में बताया हुआ है जो कि इससे भी अच्छे होने वाले। और नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करो अगर आपको जी डी सेंटर्स के हाई ग्राफिक्स मोड पसंद हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना बहुत सारे वीडियोस लिंक दिए हुए हैं, तो जाकर क्लिक कर देना।